व्यूअर्स, कुछ आदतें बच्चों में इस तरह की होती हैं जो बड़ी बेजरर सी लग रही होती हैं, लेकिन असल में जब बच्चा बड़ा होता है तो उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं उसके। और थंब सकिंग हैबिट जो है, अंगूठा चूसने की आदत, वो भी एक ऐसी आदत है जो बाद में बहुत सारे मसाइल का बायस बनती है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर अरशद है, मैं डेंटिस्ट हूँ और सरगोधा में मेरा क्लिनिक है डेंटल सॉल्यूशंस के नाम से। मैं आपको थंब सकिंग हैबिट के बारे में बताऊंगा, यानी बच्चों में अंगूठा चूसने की जो आदत होती है वो क्यों पैदा हो जाती है, उसके क्या नुकसानात होते हैं और हमें उससे बचाव के लिए, उसको छुड़वाने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए। जैसे मसाइल का जिक्र करें तो जब बच्चा साल या दो साल का होता है, शुरू में तो थंब सकिंग से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, मोस्टली बच्चे साल दो साल के बाद इस आदत को छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर ये आदत पुख्ता हो जाए, यानी बच्चा 3-4 साल का हो गया है और थंब सकिंग की हैबिट नहीं छूट रही, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। जो बच्चे के दांत आ रहे होते हैं उसमें माल अलाइनमेंट हो जाती है, वो आगे पीछे आते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं, ऊपर वाले दांत, जो ऊपर वाला जबड़ा है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है और नीचे वाला जबड़ा उसके ऊपर जोर पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है, क्रॉस बाइट पैदा हो सकती है, पैलेट जो है तालू वो बहुत ज़्यादा ऊंचा और नैरो हो जाता है। इससे बच्चे को स्पीच डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, बोलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, देखने में भी बहुत अजीब सी उसकी लुक आती है और हमको इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और महंगे ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना पड़ता है। फंक्शनल अप्लायंसेस देनी पड़ती हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट ब्रेसिस के ज़रिए बच्चे के दांतों को सीधा करना पड़ता है, एक्सपेंडर्स देने पड़ते हैं उसके ऊपर वाला जो मैक्सिला है, ऊपर वाला जबड़ा है उसको खोलने के लिए, और कभी कभार तो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी के लिए भी जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे में ये आदत पुख्ता ना हो जब वो बड़ा हो रहा है, और इससे अगर वो पैदा हो रही है तो उससे बचाव के इकदाम करने हैं। पहले मैं आपको छोटे बच्चे के बारे में बताता हूँ। अगर साल दो साल का बच्चा है और आप समझ रहे हैं कि उसमें अंगूठा चूसने की आदत डेवलप हो रही है, तो फिर आपने क्या काम करने हैं। सबसे पहले तो कोई जल्दी नहीं करनी, पैनिक नहीं करना, इस बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये आदत इंशाल्लाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं इस आदत को डिवेल्प होने से रोकने के लिए, कि अगर छोटा बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो जब वो सो जाए तो बिल्कुल आहिस्ता से उसके मुँह से अंगूठा आपने बाहर निकाल देना है सोते में। अगर वो सोते में अपना अंगूठा मुँह में लेके नहीं सोएगा तो ये आदत उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। बच्चा अगर मदर फीड पे है, एक दफ़ा जब दूध पिला रहे हैं तो उसकी ड्यूरेशन इनफ हो, अगर माँ जल्दी उसको दूध पिलाना छोड़ के दूसरे कामों में लग जाएगी, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तो वो उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देगा। बच्चा अगर बॉटल फीड पे है, फीडर पी रहा है, जब भी बच्चा फीडर पीता है तो माँ उसे गोद में ले ले या कम से कम उसके साथ मौजूद रहे, क्योंकि बच्चा अगर अदम तवज्जुही का शिकार होगा, इग्नोर होगा, तो फिर भी अंगूठा चूसने की आदत जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। इसी तरह कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वो बॉटल फीड पे है तो फिजियोलॉजिकल निपल उस पर यूज़ की जा सकती है, उसकी तफसील मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊँगा। उसके अलावा उसको डमी या पैसिफायर दिया जा सकता है, बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन सिर्फ सोने से पहले चूसनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, और जब बच्चा सो जाए तो चूसनी वापस उसके मुंह से निकाल लेनी है, और कभी भी पैसिफायर के ऊपर कोई मीठी चीज़ आपने नहीं लगानी है। अंगूठा चूसने का ताल्लुक बच्चे की साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्चे को पूरी तवज्जो नहीं मिल रही, वो इग्नोर हो रहा है, तो फिर वो अंगूठा चूसने की आदत में लग सकता है। तो इसलिए बच्चा अगर बड़ा हो रहा है, अब बच्चा अगर बड़ा हो गया, 3-4 साल से ज़्यादा बड़ा हो गया और उसमें ये आदत पुख्ता हो गई है अंगूठा चूसने की, तो फिर हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले तो मोटिव बेस्ड अप्रोच रखनी है, हमने ये देखने की कोशिश करनी है कि वो अंगूठा क्यों चूसता है और उस वजह को हमने ख़त्म करना है। जैसे नॉर्मली देखा गया है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं उनके बच्चे इस आदत में ज़्यादा पड़ते हैं कि माँ की तवज्जो नहीं मिल रही, वो अपने काम पे चली गई है, जॉब पे चली गई है, तो फिर बच्चे अंगूठा ज़्यादा चूसते हैं। ऑर्डर ऑफ बर्थ भी हो सकता है कि वो दरमियान में है, बड़ा जो बच्चा था उसको भी पूरी तवज्जो मिल गई, जो बहुत छोटा है उसको अब पूरी तवज्जो मिल रही है, तो ये बच्चा थोड़ा सा इग्नोर हो रहा है। इसी तरह और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और इमोशनल स्ट्रेस हो सकती है, सोशल, बच्चा इंट्रोवर्ट या एंटी सोशल है बहुत ज़्यादा, बाहर वाले लोगों के पास नहीं जाता, उनको देख के रोता है, तो ऐसा बच्चा भी अकेलेपन का शिकार हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को टीचर से डर नहीं लगता, उसका होमवर्क का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का भी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो बच्चे को अंगूठा चूसने की तरफ लेके जा सकता है। अब हमने उस सिलसिले में करना क्या है, पहले तो वजह ख़त्म करनी है जो अंगूठा चूसने की बन रही हो हमारे ख्याल में, उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि बच्चे को टाइम ज़्यादा देना है और उसको कोई ऐसी एक्टिविटी देनी है जिसमें वो अपने हाथों को मसरूफ़ रखे, जैसे कोई पज़ल है, कोई टॉयज़ हैं या इस तरह की चीज़ें उसको खेलने के लिए, टॉयज़ पज़ल वगैरह इस तरह के देने कि उसके हाथ ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रहें और वो इस मसरूफ़ियत में अंगूठा चूसने की आदत को भूल जाए।
उसके बाद एक काम ये करना है कि बच्चे को शीशे के सामने खड़ा करके उसे कहना है कि आप अंगूठा मुंह में डालो और चूसो, जिस तरह आप करते हो अपने आप को देखेगा कि मैं कितना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा हूँ, तो फिर भी उसको ये फील होगा कि मुझे अंगूठा चूसने की आदत को छोड़ना चाहिए। कभी भी पनिश नहीं करना बच्चे को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, इसका उल्ट इफेक्ट होता है, बल्कि उल्टा इंसेंटिव या उसको प्राइज देना, उसे अप्रिशिएट करना इस बात पे कि देखो आज 3 डेज हो गए हैं आपने अंगूठा नहीं चूसा, तो फिर मैं आपको ये गिफ्ट लेके दे रहा हूँ, इस तरह का कोई ना कोई इंसेंटिव उसे देना है। सिंपली बच्चे को ये कह सकते हैं कि हाथों पे बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, डर्ट होते हैं, इसे आपने मुँह में नहीं डालना। तो अगर आपके हाथ पे थंब पे इतने ज़्यादा जर्म्स लगे हुए हैं, उसे अगर आप मुँह में डालेंगे तो आपके मुँह में चले जाएंगे, पेट में चले जाएंगे। इस तरह की चीज़ों से बच्चे को आपने अंगूठा चूसने से थोड़ा बेजारी की तरफ लेके जाना है। कोई भी चीज़ अगर इस सिलसिले में कारगर नहीं हो रही तो एट द एंड ऑफ द डे हमें कोई ना कोई डिवाइस देनी पड़ती है। जैसे घरों में यूज़ करने के लिए ओवर द काउंटर कुछ डिवाइसेस मिलती हैं, थंब गार्ड होता है इस तरह का जो कलाई पे पहन लेते हैं और प्लास्टिक एक थंब के ऊपर आ जाता है, तो उससे भी बच्चा अंगूठा चूसना ऐसा ऐसा छोड़ देता है। इसी तरह सोते हुए कुछ इलास्टिक्स इस तरह के मिलते हैं कि वो बच्चे के अंगूठे को मुँह की तरफ नहीं जाने देते, भी वो अंगूठा चूसने में उसे क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसा ऐसा इसको छोड़ देता है। इसी तरह उसके अंगूठे पे कोई इरिटेंट किस्म के टेस्ट वाली चीज़ लगाई जा सकती है, सिनेमन वगैरह लगाया जा सकता है। ओवर द काउंटर बाज़ार से भी कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जो आप उसके ऊपर लगाएं तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं होती, लेकिन उसका टेस्ट ऐसा होता है कि वो बच्चा जैसे अंगूठा मुँह में डालते हैं वो फ़ौरन से उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर काम नहीं कर रही तो हमें डेंटिस्ट को विज़िट करना पड़ता है, जो बड़ी अर्ली स्टेज पे कुछ इस तरह की डिवाइस, कुछ रिमूवेबल चीज़ें होती हैं लगाने वाली, कुछ फिक्स्ड होती हैं, वो आपका डेंटिस्ट आपको बेहतर गाइड कर सकता है, जिसमें टंग क्रीम होता है, पैलेटल या लिंगुअल स्पर्स होते हैं, कुछ लोग क्वाड हेलिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको आप मुंह के अंदर लगा देते हैं बच्चे के, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस आदत को छोड़ देता है। तो कभी भी इस आदत को, अंगूठा चूसने की आदत को, अगर वो आपके बच्चे में है या आपके किसी जानने वाले बच्चे में है, तो उसे इग्नोर नहीं करना, बल्कि जल्द से जल्द उसकी आदत छुड़वाने की कोशिश करनी है, क्योंकि बाद में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।